नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक और विश्लेषण बड़ी खबरों का। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। भारत दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान के लिए तैयार। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना का हमला जारी। लेबनान सीरिया सीमा पर की बमबारी। हथियारों की तस्करी वाले रास्ते को ध्वस्त करने का किया दावा। हिजबुल्लाह का रॉकेट पलटवार। दो की मौत, सात घायल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकवादी हमला। 10 सुरक्षा बलों की मौत, सात घायल। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली हमले की जिम्मेदारी। अपने नेता उस्ताद कुरैशी की हत्या का बताया बदला। और बांग्लादेश में नहीं थम रही राजनीति का स्थिरता। राष्ट्रपति के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार। सरकार ने कहा, राजनीतिक दलों की सहमति पर ही लिया जाएगा कोई फैसला। अब शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध की अटकलें। और बात सबसे पहले बांग्लादेश की। बांग्लादेश में इस समय सत्ता संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। शेख हसीना सत्ता से बाहर हो चुकी है, लेकिन हालात तब भी स्थिर नहीं है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को बहाल करने में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। और इस बीच लोगों की ओर से मांग यह भी उठ रही है कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाया जाए। सत्ता के गठजोड़ ने बांग्लादेश में लोकतंत्र को कई महीने पहले ही रौंद दिया था, लेकिन अब जिन्हें इसकी बहाली का पहरेदार बनाया गया है, उनकी कार्यशैली से तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के बचे रहने पर भी सवाल उठने लगे हैं। ताजा राजनीतिक अनिश्चितता की इस स्थिति को हवा मिली राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के एक बयान से, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के दस्तावेजी सबूत उपलब्ध होने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, कुछ लोगों को जैसे इसी दिन का इंतजार था। वे तुरंत सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करने लगे। छात्रों के विद्रोह के बाद अस्तित्व में आई अंतरिम सरकार ने मुद्दे पर राजनीतिक दलों से सुझाव भी लेना शुरू कर दिया। यहाँ भी दो फाड़ साफ नजर आए। एक पक्ष राष्ट्रपति के इस्तीफे पर अड़ा है, जबकि दूसरे को लगता है कि अगर राष्ट्रपति गए तो संवैधानिक शून्य पैदा हो जाएगा और इस स्थिति का कोई तीसरा पक्ष लाभ उठा सकता है। मुख्य विपक्षी दल बीएनपी भी राष्ट्रपति का इस्तीफा नहीं चाहती है। उसे पूरे मामले में बड़ी साजिश नजर आती है। मामले में सरकार का रुख भी गोलमोल नजर आता है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति का इस्तीफा आम लोगों की मांग जरूर है, लेकिन फैसला राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के आधार पर ही होगा। इस बीच शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की छात्र इकाई पर पाबंदी के बाद अब पार्टी पर ही प्रतिबंध लगाने की अटकलबाजियां शुरू हो गई हैं। सरकार में एक मंत्री रिजवाना हसन का कहना है कि सरकार के साथ राजनीतिक दलों की बैठक में लीग पर पाबंदी से संबंधित कोई मुद्दा नहीं आया, जबकि मोहम्मद यूनुस के विशेष सहायक महफूज आलम का कहना है कि अवामी लीग पर प्रतिबंध से जुड़ा एक प्रस्ताव आया है और सरकार अन्य मुद्दों की तरह ही इस पर विचार कर रही है। इससे साफ है कि शेख हसीना पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इसी क्रम में पिछले दिनों शेख हसीना को चोट पहुंचाते हुए आतंकवाद विरोधी कानून के तहत बांग्लादेश छात्र लीग पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो लगातार बांग्लादेश में स्थिति अस्थिर बनी हुई है। और क्या है स्थिति, क्या होगा बांग्लादेश का राजनीतिक भविष्य, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक बंसल जी, जो कि रणनीतिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं, साथ ही साथ डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना, अब राष्ट्रपति पर निशाना। कितनी गंभीर स्थिति, कितने गंभीर परिणाम, कितनी जायज मांगे, क्या कुछ आगे की राह कितनी कठिन देखते? देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये बांग्लादेश मीडिया ने ओवरप्ले किया है। इस वक्त मीडिया जो है हवा के साथ बह रहा है। कल जो प्रदर्शन हुए या परसों जो प्रदर्शन हुए, उसमें 500 से ज्यादा लोग नहीं थे। ये कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं था ये राष्ट्रपति के खिलाफ। और धीरे धीरे जो हवा है बांग्लादेश के अंदर, वो ये जो अंतरिम सरकार है इसके खिलाफ बनने लगी है।
और इसी का असर है कि छात्र लीग के ऊपर बैन लगाया गया। छात्र लीग पर बैन लगाने का क्या मतलब था? वो भी आतंकवाद विरोधी। छात्र लीग ने तो कोई प्रदर्शन किया ही नहीं पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि वो अब देख रहे थे कि अब जो है आवामी लीग और उससे जुड़े हुए लोग फिर से इकट्ठे हो रहे हैं और वो चुनौती पेश करने की स्थिति में थे। आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, लोगों को लग रहा है कि पहले वाली शासन व्यवस्था काफी बेहतर थी, तो जो नॉस्टैल्जिया वापस आ रहा है और उससे ये सरकार जिसके पास कोई भी वैधानिकता नहीं है, ना चुनी हुई है, ना किसी तरीके से है, हसीना ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, तो अगर आप देखें तो संवैधानिक और कानूनी रूप से आज भी वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो इस सरकार की वैधता क्या है, इसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की क्या कानूनी वैधता है? मेरे हिसाब से कोई नहीं है। ये एक कमजोरी है जिसके कारण ये हो रहा है। ये चुनाव नहीं कराना चाहते, बिना चुनाव करे सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं, और उसी का ये असर है कि ये कमजोर कड़ी जो आप देख रहे हैं। आलोक जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, छात्र इकाई पर प्रतिबंध लगा दिया, आशंका जताई जा रही राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता, वहीं दूसरी ओर कट्टरपंथी जो संगठन है उन पर लगाए हुए प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, किस रूप में देखते हैं वहां का लोकतांत्रिक भविष्य? क्योंकि एक बेजा दबाव जो वहां का DNA है, जो जिस तरीके से वहां पे जमहूरियत का ताना बाना था, उसको भी कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करने की साजिश चल रही। बिल्कुल, राष्ट्रपति और उसके बाद सेना अध्यक्ष पे हमला होगा, और अगर ये दोनों चले गए तो फिर बांग्लादेश के अफगानिस्तान बनने में ज्यादा देर नहीं है जी। ये कोशिश इसी तरीके से कर रहे हैं कि कट्टरपंथी शक्तियां जो है सत्ता पे काबिज हो जाएं, और अभी उसके खिलाफ जो थोड़ा बहुत बुलवर्क है वो एक सेना है और राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पक्को है। इस वक्त BNP भी नहीं चाहती कि राष्ट्रपति जाए, कोई नहीं चाहता, क्योंकि ये जो अंतरिम सरकार है जिसकी कोई वैधानिकता नहीं है, कोई लोकप्रिय आधार नहीं है, किसी तरीके से चुनकर नहीं आई है, और वो चाहती है कि वो सत्ता में रहे और 3-4-5-6 साल तक कोई चुनाव ना कराए। आलोक जी, एक चीज जानना चाहेंगे, क्यों इतना खौफ है शेख हसीना से? क्योंकि वो एक तरीके से निर्वासन झेल रही हैं, 5 अगस्त के बाद कोई दखलंदाजी नहीं है, इतना खौफ क्यों? क्योंकि तब जबकि सड़कों पर लोग उतर आए, अपदस जैसी स्थिति बनी, खौफ किस बात का? देखिए, जो सड़कों पर जब आए थे लोग अगस्त में, वो एक बड़ी संख्या थी, एक हुजूम था, उसको विदेशी ताकतों का समर्थन प्राप्त था, शेख हसीना चली गई। पर अब जब राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, 500 से ज्यादा लोग नहीं थे परसों, ये हकीकत है, मीडिया चाहे जो भी बोले, और मेरे जो स्रोत हैं वो बता रहे हैं मुझे इस बारे में। तो ये क्या है, डर क्यों है? क्योंकि आवामी लीग सबसे बड़ी पार्टी है आज भी बांग्लादेश के अंदर, सबसे बड़ी पार्टी जिसका ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो आवामी लीग है, और आवामी लीग पे वो शक्ति है कि वो एक बार मोबिलाइज करेगी तो ये सत्ता पे बैठे हुए गैर कानूनी जो लोग का सत्ता पे काबिज है इनको एक झटके में हिला सकती है, और वो उससे डरते हैं। और क्या है कि इस वक्त कोशिश की जा रही है जमात इस्लामी के द्वारा, एक ऐसी राजनीतिक दल के द्वारा जो एक ऐसी विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था, वो सत्ता के हर अंग पर काबिज होते जा रहे हैं। कट्टरपंथी शक्तियां इस अंतरिम सरकार के दौरान सत्ता के ऊपर काबिज होती जा रही हैं, वो गुप्त रूप से सत्ता के हर अंग के ऊपर कब्जा जमा रहे हैं। और एक चीज और जानना चाहेंगे, अभी जो स्थितियां बनी है, जैसा आपने कहा 5 अगस्त को एक मास कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट था, अब वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं बाहरी ताकतों के भी, चाहे वो बाहरी ताकत पड़ोसी मुल्क हो या फिर बाहरी ताकत पश्चिमी की कुछ ऐसी शक्तियां हो जिनके अपने व्यापारिक या रणनीतिक हित हैं, क्या अभी जो स्थिति है या जो लंबी स्थिति खींची जा रही है, तीसरे पक्ष की दखलंदाजी कितना देखते? अब पता नहीं, बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष अभी अमेरिका और कनाडा के दौरे से आए हैं, उनको वहाँ क्या लोग के कौन लोग मिले, किस तरीके से मिले, क्या हुआ, ये अभी आगे चलकर पता चलेगा। पर अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि उसके बाद जो भी प्रशासन वहाँ है उसकी कोई भी वैधानिकता नहीं है। जो मोहम्मद यूनुस साहब का प्रशासन है, इसकी वैधानिकता क्या है, इसका संवैधानिक स्वरूप क्या है? अगर आप देखें तो आज भी संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से शेख हसीना वहां की चुनी हुई प्रधानमंत्री है जी। एक संसद है, वहां की एक जुडिशरी है। अगर कोई मास एजिटेशन ये कहे कि जजों को हटा दो, संसद को हटा दो, प्रधानमंत्री को हटा दो, तो ये क्या जंगल राज थोड़ी ना चल रहा है? इसके पहले हमने देखा था छात्रों की एक मांग ये भी थी कि 20 से ज्यादा जजों को जो है पदमुक्त ना किया जाए, कार्यमुक्त कर दिया जाए। वो स्थितियां भी बनी जब दशहरा और दीपावली और दुर्गा पूजा के बाद की स्थितियां हुई, सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई। क्या किसी तरीके की
हस्तक्षेप की स्थिति आपको दिखती है, चाहे वो संवैधानिक स्थिति को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को या फिर किसी स्थिति से सेना का हस्तक्षेप, किस रूप से देखते हैं कि वहाँ स्थिरता कायम हो सके? देखिए अभी तो क्या है कि जो मूवमेंट था, स्टूडेंट्स का मूवमेंट था, इसने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया और उसके अंदर प्रचार इस तरीके से किया गया कि शेख हसीना की सरकार के खिलाफ एक प्रचार किया गया। इसमें कोई शक की बात नहीं कि कुछ हद तक वहाँ पे जनतांत्रिक जो थी वो कमियाँ थी, चुनावों में कुछ पूरी तरह से निष्पक्ष शायद नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रमुख और विपक्षी दलों ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें शेख हसीना के शासन में बांग्लादेश ने जो प्रगति की वो अभूतपूर्व थी, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो। और अब धीरे धीरे लोगों को जब आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है तो उनको वो पुराने सुनहरे दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रचार है, जो भ्रामक प्रचार है, वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। कुछ समय के लिए आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो और वो लोगों ने कर लिया अब, लेकिन धीरे धीरे लोगों को हकीकत नजर आ रही है और जैसे जैसे लोगों को हकीकत नजर आ रही है लोग सच्चाई को देख रहे हैं और वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो अंतरिम सरकार है जो किसी भी तरीके से वैधानिक नहीं है, ये किसी भी तरीके से एक अच्छा शासन, एक अच्छी अर्थव्यवस्था देने में उनको पूरी तरह से विफल हो रही है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप देखेंगे कि इनकी जो लोकप्रियता है वो और ज्यादा कम होती जाएगी। तो अगर कुछ समय तक राष्ट्रपति टिक गए तो सेना का अगर उन्हें समर्थन मिल जाता है तो ये जो अस्थिरता का माहौल है इसको रोका जा सकता है। जी, और मेरे ख्याल से एक समय आ गया है जब सेना को एक एक्टिव रूप से हस्तक्षेप करने के हस्तक्षेप करना चाहिए और स्थिति वहां पर स्थिर हो, राजनीतिक स्थिरता हो। यही भारत चाह रहा है, यही पूरा दक्षिण एशिया चाह रहा है, पूरी दुनिया ही चाह रही। हमारे साथ आलोक बंसल जी बने रहे, हम पाकिस्तान में हुए स्थिति पर, आतंकवादी हमले पर भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। हाथ धोकर आते हैं साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ, सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए शान बढ़ाए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें, अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है, योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, रुख करेंगे पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक चौकी पर हुए आतंकवादी हमले में फ्रंटियर कांस्टेबली के लगभग 10 जवान मारे गए। हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। यह हमला पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में जारी आतंकवादी हिंसा और दक्षिण अलगाववादी गतिविधियों के बीच हुआ है। सवाल यह है कि आतंकवाद का पोषण करने वाला पाकिस्तान लगातार आतंकवादी हमले क्यों झेल रहा है? पाकिस्तान में तहरीके तालिबान के बढ़ते उत्पात के बीच आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों को गहरी चोट पहुंचाई है। डेरा इस्माइल खान के द्रबन में शुक्रवार को एक सुरक्षा चौकी पर आतंकी हमले में 10 सुरक्षा बलों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। हमले में फ्रंटियर कांस्टेबुलरी सुरक्षा बल के सदस्य मारे गए हैं।
20 से 25 बंदूकधारियों के एक समूह ने चौकी पर अचानक हमला बोल दिया। गोलीबारी की घटना करीब एक घंटे तक चलती रही। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे अपने एक वरिष्ठ नेता उस्ताद कुरैशी की हत्या का बदला बताया है। इस हमले के तुरंत बाद जवानों की टुकड़ी फौरन घटना स्थल पर रवाना हुई। इसके बाद सेना सर्च ऑपरेशन के तहत आतंकियों को धर दबोचने में जुट गई है। फिलहाल सेना आतंकियों की तलाश कर रही है। टीटीपी ने एक तरह से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टीटीपी काफी सक्रिय हो गया है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान को बेस के तौर पर इस्तेमाल करता है और तालिबान सीमा पर इन्हें पनाह देता है, जबकि तालिबान इन आरोपों को खारिज करता है। टीटीपी अफगान तालिबान से एक अलग समूह है, लेकिन इसकी जड़ें भी ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान में हैं और ये समूह भी अफगान तालिबान की विचारधारा का पालन करता है। टीटीपी ने अधिकतर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमले किए हैं। इससे पहले भी इस इलाके में आतंकवादियों ने पुलिस को नियमित रूप से निशाना बनाया है। इससे पहले अगस्त में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर रॉकेट से हमला किया था। इस हमले में कम से कम 11 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना आतंकियों के खिलाफ कई बार अभियान चला चुकी है। आतंकियों से निपटने के लिए इसी साल अजम इस्तेकाम अभियान शुरू किया था। इन अभियानों के दौरान मानवाधिकार उल्लंघनों की बड़े पैमाने पर शिकायतें आती रहती हैं। नवंबर 2022 में टीटीपी ने सरकार के साथ युद्ध विराम खत्म कर दिया था, जिसके बाद से आतंकी हमले पाकिस्तान में बढ़े हैं। तो आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान खुद झेल रहा आतंकवादी हमले। हमारे साथ आलोक बंसल जी हैं, जो कि रणनीतिक मामलों के जानकार हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आलोक बंसल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान, जो कि जिसकी स्टेट पॉलिसी में ही आतंकवाद को पोषण देना, प्रश्रय देना पूरी दुनिया जानती है, हर तरीके से जानती है, उस पर ये हमले कैसे, और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कितना वहाँ पर एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है अपनी मांगों को लेकर या अपनी अपेक्षाओं को लेकर? देखिए, जब आप कट्टरपंथी विचारधारा को पालते हैं, पोसते हैं, तो उस कट्टरपंथी विचारधारा का जो असर है वो एक तरफ नहीं होता, वो हर तरफ होता है। समाज का हर उससे प्रभावित होता है, और उसी के अंतर्गत पाकिस्तान के अंदर एक कट्टरपंथी आंधी चल रही है, जिसका एक फल हम देख रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये वही तालिबान है जो तालिबान की विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित है। तालिबान जो अमीर हैं मुल्ला अखुंदजादा, उनको अमीरुल मोमिनीन मानता है, और उसी के समर्थन में पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि इनका मानना है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो इस्लाम के सिद्धांतों के साथ कार्य नहीं कर रही। आज जो हमला हुआ, पहले डेरा इस्माइल खान में हुआ, जहां 10 सुरक्षा कर्मियों, जिनकी आप बात कर रहे हैं, पोस्ट पे हमला किया, उनको मारा गया। इससे कुछ दिनों पहले इन्होंने टीटीपी के कमांडर उस्ताद कुरैशी की हत्या की थी। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमने ये हमला किया, बदला लिया। और हमले के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने बन्नू में एक और पुलिस की व्हीकल पे हमला किया, उसमें पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर और कुछ और जवानों की हत्या की। तो ये जो है दिखा रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है दिन प्रतिदिन ज्यादा शक्तिशाली होता चला जा रहा है, और पाकिस्तान की सुरक्षा सेनाएं उनसे डील करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही हैं, और हम इसका असर देख रहे हैं। और इस वक्त क्या हो रहा है कि पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि विभिन्न विचारधाराओं के गुट जो हैं एक साथ आ रहे हैं। तो हम पहली बार देख रहे हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है बलोच जो राष्ट्रवादी हैं उनसे संबंध जोड़ रखे हैं उन्होंने, और वो हमला कर रहे हैं। अन्यथा वैचारिक रूप से बलोच राष्ट्रवादी जो है वामपंथी थे और टीटीपी दक्षिणपंथी थी, तो दोनों में आपसी मेलजोल की संभावनाएं पहले कम होती थी, लेकिन अब जो है टीटीपी हो गया, बलोच राष्ट्रवादी हो गया, या पीटीएम जिसको कि अभी कुछ दिनों पहले प्रतिबंधित किया गया है पाकिस्तान में, इस तरीके के सब संगठन जो है सरकार विरोधी एक मुहिम में एक साथ आ रहे हैं। और आलोक जी, कहीं इस पूरे स्थितियों को अगर आकलन करें तो वो ऐतिहासिक भूल भी कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा बलोच, जो एक लंबे समय से अपनी आज़ादी की मांग करते रहे हैं, दशकों से वो आज़ादी की उनकी मुहिम चली रही है। इससे पहले वहाँ पर जिरगा की बैठक भी हुई थी, जिसमें स्थानीय स्तर पर मंत्री भी शामिल हुए थे। तो एक जो वहाँ पर मानवाधिकार को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, खुद मुख्तारी को लेकर जो मुहिम है, उसका ही एक कहीं ना कहीं ये परिणति दिखती है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पख्तून राष्ट्रवाद
पाकिस्तान की उत्पत्ति से सबसे बड़ी चिंता रही है पाकिस्तान की, क्योंकि तो अगर आपको याद हो कि सन 46 के चुनाव में जिस चुनाव के ऊपर पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उस चुनाव को मुस्लिम लीग ने एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान के ऊपर जोड़ा था, और उसमें जो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां पे इस चुनाव में मुस्लिम लीग हार गई थी बड़ी, और वहां पे कांग्रेस की हुकूमत थी, उसके बावजूद इस हिस्से को पाकिस्तान में जोड़ा गया, और तब से ही पख्तून राष्ट्रवाद एक प्रबल शक्ति के रूप में था जी। और इसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने वहां पे इस्लामिक कट्टरपंथ को प्रभावित को पाला और पोसा। उनको लगा कि जो पख्तून राष्ट्रवाद है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के अंदर जो है सब्स्यूम हो जाएगा। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि हम पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोच नहीं है, हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं। और उसका असर यह हुआ कि आपने देखा कट्टरपंथिता बढ़ती चली गई, तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और वो एक तरीका था। तो तब उनको लगता था कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है पख्तून राष्ट्रवाद को खत्म कर देगा। पर उसके बाद अब फिर आपने देखा कि एक तरफ तो टीटीपी बढ़ रहा था और दूसरी तरफ पीटीएम भी बढ़ रहा था जो पख्तून राष्ट्रवाद की बात, और अब जो है दोनों के बीच में भी एक गठजोड़ सा हो गया है। तो ये जो है पख्तूनों की जो पुरानी डिमांड रही है, पख्तूनों की जो एक स्वायत्तता की, स्वतंत्रता की मांग रही है, उसी का मैनिफेस्टेशन है अलग अलग तरीके से जो हो रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ होता जा रहा है। और जो मानवाधिकार हनन है या फिर जो स्वतंत्रता की मुहिम है, उसी की कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति दिखती है, भले वो रक्तरंजित रूप में दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक बंसल जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपने विचार साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खबर दुनिया की। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ, मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देख कर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉल मार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS के रैप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS, इंस्पायरिंग क्वालिटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात और बेहद महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी ऐसे समय में मजबूत हो रही है जब दुनिया तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता का सामना कर रही है। सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि 12 साल बाद भारत एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस की मेजबानी कर रहा है। एशिया पैसिफिक जर्मन बिजनेस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्च ने माना कि सम्मेलन सिर्फ आपसी हितों तक सीमित नहीं है, इसका असर वैश्विक संघर्षों को रोकने और समाधान तलाशने पर भी पड़ेगा। दोनों ही नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था की बात कही। दुनिया को स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, चाहे सोसाइटी हो या फिर सप्लाई चेन, हर मोर्चे पर इन वैल्यूज को बल देने की जरूरत है। The Korean Peninsula, the South and East China Sea all remain flashpoints of potential conflicts, even though we all hope that these conflicts can be contained. Let us do whatever we can
to bring about political solutions to these conflicts, solutions that are based on international law and the principles of the UN Charta. हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के सीईओ फोरम की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ग्रोथ में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाने का आह्वान किया। वहीं जर्मनी के चांसलर ने बीते सालों में हुई व्यापारिक प्रगति पर संतोष जताया। एशिया पैसिफिक सम्मेलन के दौरान दोनों ही नेताओं ने आपसी सहयोग को अगले स्तर पर पहुंचाने की बात कही। यूरोपियन यूनियन में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों का आपसी व्यापार $30 बिलियन तक पहुंच चुका है। भारत जहां तकनीक और निवेश आकर्षित करना चाहता है, तो वहीं जर्मनी भारत के टैलेंट और एस्पिरेशनल ड्राइव फोर्स को। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।